हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में 6.2। और 6.2 जो एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करेंगे। इससे पहले आपको मैंने 6.6 चैप्टर में 6.1 डिस्कस किया था, उसमें कोई डाउट किसी बच्चे मन में नहीं है। तो आज हमारा पूरा फोकस होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं ये होता क्या है। पहले बेसिक जानेंगे तब एक्सरसाइज की बात करेंगे। सपोज मैंने एक वाई लिया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और एग्जांपल में ले रहा हूं मैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो, एक्स के बढ़ने से वाई या तो बढ़ेगा या घटेगा, हो सकता है। x के बढ़ने से y बढ़ेगा या घटेगा, x के घटने से y बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी हो सकता है भैया। x बढ़ा रहे हो तो वैल्यू कुछ हो रहा रही है, x घट रहा है तो वैल्यू कुछ हो रहा रही है, समझते हैं। सपोज मैंने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बार बताओ बच्चों, जीरो। देखो, अगर आपने इस जगह जीरो रख दिया, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन बाय फोर का स्क्वायर वन बाय सिक्सटीन, जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। वन बाय टू रख दो, वन बाय फोर जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा। एक रख दोगे तो क्या आएगा बच्चों, एक आएगा। और ऐसे ही दो रख दोगे तो क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, यस या नो। तो अगर आप जीरो से लेके फोर तक की बात करते हो, टू, आपने जीरो से लेके टू तक की वैल्यू बात करी, और अगर बेटा तीन रख दोगे तो क्या आएगा, नौ आ जाएगा, ठीक है। तीन रखते ही नौ आ जाएगा, दो रखते ही चार, तीन रखते ही नौ, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। रफली बना रहा हूँ मैं यहाँ पर तो भी, ठीक है। तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, हाँ या ना, चेक कर लो, यस या नो। और अगर नेगेटिव वाला देखते हैं, माइनस वन बाय टू रखो बच्चों तो ये वन बाय फोर ही तो आएगा। अगर नेगेटिव की तरफ भी चले जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक, चार, नौ। अगर आप नेगेटिव तब भी गए, अगर x की वैल्यू घटा रहे हो, देखो पहले माइनस वन बाय टू, फिर वन, माइनस वन, माइनस टू, जितना छोटा होता जाएगा x की वैल्यू घटती चली जाएगी, तब भी आपका आंसर दे, चेक कर लो, वन बाय फोर वन फोर नाइन बढ़ता ही जाएगा, हाँ है ना। तो आप क्या कह रहे हो कि सर x की वैल्यू बढ़ने से या घटने से y की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी सकती है, इसी बात को बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बस समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम इन्हीं टॉपिक को बात करेंगे कि इंटरवल दे रखा होगा तो इंक्रीजिंग बताना होगा, इंक्रीजिंग दे डिक्रीजिंग दे रखा होगा तो इंटरवल बताना होगा, बस घुमा फिरा के यही बातें हम करने वाले हैं। पहले एग्जांपल कॉपी करो फिर देखते हैं। देखो, अब मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, उस पर ध्यान देना, ए एक्स एक्सिस वाई, दो इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, ए और एक बी, ठीक है। एक इंटरवल लिया मैंने ए और बी, इस इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन बढ़ रहा है। देखो, x की वैल्यू बढ़ने लगी, अगर आप a से दस तक जाते हो, बढ़ाते हो अपनी वैल्यू को, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, चेक कर लो, हाँ या ना, पक्का। इसे हम क्या नाम देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। याद रहेगा, अगर x की वैल्यू बढ़ने से y भी इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नंबर वन। नंबर टू यहां ध्यान दो, फिर मैंने एक इंटरवल लिया ए और बी, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं मैं ए से बी की तरफ, लेकिन आपका फंक्शन चेक करो, यहां आपका वाई इंक्रीज हो रहा था और यहां वाई आपका डिक्रीज। देखो, वाई आपको कम होता जा रहा है, क्या बोलेंगे इसे हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, याद रहेगा। तो देखो, जब x की वैल्यू बढ़ने से y बढ़ रहा है तो
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक्स वैल्यू बढ़ने से वाई घटता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात हो रही है। नंबर थ्री, यहां ध्यान दो, तो इंटरवल मैंने ए और बी लिया, पहले आपका फंक्शन इंक्रीज होने लगा, ठीक है, यहां वाई आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते फिर कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वाई इज इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट होने के बाद फिर इंक्रीज होने लगा। आप क्या समझ रहे हो कि सर एक ही इंटरवल के बीच में, इंटरवल यहां तक लिख दो, इंटरवल के बीच में आपने देखा कि सर एक्स तो इंक्रीज हो रहा है इसी इंटरवल के बीच में, पहले वाई बढ़ता है फिर कांस्टेंट होता है फिर बढ़ने लगता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, केवल इंक्रीजिंग, याद रहेगा। और अगर चौथे की तरफ चलते हैं, ए बी, पहले आपका अपना फंक्शन डिक्रीज हुआ, वाई कम हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर कम होने लगा, क्या बोला जाएगा इसे, डिक्रीजिंग, याद रहेगा। देखो चार टाइप्स पढ़े आपने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड कब आएगा, जब वो फंक्शन सिर्फ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वर्ड, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब आएगा, जब एक्स के बढ़ने से वाई घटता है, दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या लिखवाया, एक्स के बढ़ने से पहले वाई बढ़ता है फिर कॉन्स्टेंट होता है फिर बढ़ने लगता है, थर्ड कंडीशन। और फोर्थ में क्या लिखवाया बच्चों मैंने, कि भैया एक्स के बढ़ने से पहले वाई घटेगा फिर कॉन्स्टेंट होगा फिर घटने लगेगा, इस जगह वाई कॉन्स्टेंट हो गया, याद रहेगा। एक पांचवा कॉन्सेप्ट समझना, तो पांचवे में अगर मैं लिखूं ऐसे, कभी आप बढ़ रहे हो घट रहे हो फिर घट रहे हो फिर बढ़ रहे हो ऐसे, तो इसे क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग, याद रहेगा, ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पांच कैटेगरी को आपको पढ़ना है, कोई ध्यान दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक बात और, यही मैं एक बात और मैं ऐड कर दूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात मैं करता हूँ, तो x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा बच्चों, डिफ्रेंशिएशन dy वाई बाय डी एक्स, तो dy वाई बाय डी एक्स बोल लो, ठीक है, या इसे आप एक नाम और भी है f डैश x, ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे आप इसे dy वाई बाय डी एक्स बोल लो चाहे f डैश x बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होगा मोर देन जीरो, याद रहेगा, डिफरेंशिएशन करने पे जो भी आएगा वो जीरो से ज़्यादा होगा, समझ जाना क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे फंक्शन की, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होने वाला है मोर देन इक्वल जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स जो होगा लेस देन जीरो, बच्चों इस जगह क्या होगा, लेस देन इक्वल जीरो, और नैदर में ना तो इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, याद रहेगा, इसे नोट करो। तो ध्यान दो, एक लास्ट ग्राफ, दो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ए और बी का इंटरवल लिया मैंने, ठीक है, इस इंटरवल में अभी जब तक आपने क्या सीखा कि सर वाई आपका इंक्रीज होगा बिल्कुल, या वाई डिक्रीज होगा, या पहले इंक्रीज होगा फिर कॉन्स्टेंट होगा, फिर कई तरह की बातें आपने करी है ना, तो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, यहाँ पर वाई जो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, हाँ जी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, मतलब आपके इस इंटरवल के बीच में वाई की वैल्यू वो चेंज होगी ही नहीं, अगर वाई का आंसर पाँच है तो पाँच ही रहेगा, चाहे दो रख लो चाहे दस रख लो चाहे पाँच, कुछ भी रख लो, सबसे पढ़ने वाला नहीं है, याद रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स रहेगा इक्वल टू क्या रहने वाला है बच्चों, जीरो। तो अभी आपने एक चीज नोटिस भी करी होगी, इंक्रीजिंग में मैंने तो एक वर्ड लिखवाया था, इंक्रीजिंग मैंने क्या लिखवाया था कि भैया एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल जीरो, हाँ है ना, चेक करो। तो जो ये जो इक्वल का साइन आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि आपका फंक्शन का पहले मोर, पहले इंक्रीज होगा फिर कॉन्स्टेंट होगा फिर इंक्रीज होगा, चेक कर लो। तो जो इक्वल का साइन आने का पर्पज रीजन यही है कि कॉन्स्टेंट होने की वजह से वो इक्वल का साइन आ रहा है, अब याद आया। तो चार तरह की कंडीशन दोबारा लिख दूं मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे
एफ डैश एक्स मोर देन जीरो, सिर्फ इंक्रीजिंग पे एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे लेस देन जीरो, और सिर्फ डिक्रीजिंग पे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल जीरो, और कॉन्स्टेंट फंक्शन पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। याद रहेगा? तो ये चार पांच बातें हैं जो हमको याद रखनी है। आप आपके क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम अभी एक्सरसाइज आप पढ़ोगे, एग्जाम की बात तो बाद में होगी, अभी आप जो पढ़ने वाले हैं दो कैटेगरी क्वेश्चन मिलेंगे, पहला और दूसरा। यह आपको इंटरवल दे रखा होगा और क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बताओ भैया एस आई है या आई है या एस डी है या डी है। ठीक है, क्या क्या पूछेगा आपसे, चेक करो इस इंटरवल के बीच में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, जो भी तक की बात है, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। या तो टाइप टू वाले क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, आपको प्रूफ करना होगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रूफ करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये दे रखा होगा। और क्या क्वेश्चन पूछेगा भैया, इंटरवल फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, इंटरवल। तो दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, याद रहेगा। तो कैसे इन दो टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके बात करेंगे कि क्वेश्चन दोनों का करवाता हूँ आपको, ताकि आपको फील हो कि हमें पढ़ना क्या है, याद रहेगा। तो इसे कॉपी करो फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।